सिंगी नज़र जो है सिंगी नज़र सिक्स का अलग है, ये बी एस फोर का और सिक्स का अलग अलग है। ये सिक्स का सिंगी नज़र दूसरा मॉडल है और ये दो नंबर पिनियन भी दूसरा मॉडल है, ये एक नंबर पिनियन भी दूसरा मॉडल है। सबको दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माँ मोटर से। ये गाड़ी जो दिख रहा है ये बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा लॉन्ग, ये बी सिक्स है। ये गाड़ी का गियरबॉक्स का आवाज़ आ रहा है और ये आगे में जो बम्पर का साथ रोशनी दिख रही है, गाड़ी दूसरा गाड़ी से खिसके लगा है। तो ये गाड़ी का गियरबॉक्स खोलेंगे, अभी गियरबॉक्स बाहर निकाल दिया, अभी गियरबॉक्स खोलेंगे। NGT 520 स्पीड गियर है, तो ये देखते हैं गियरबॉक्स कैसे खुलता है। पीछे वाला बैक कवर का सारा बोल्ट खोल दिया, अभी बाहर निकाल देंगे। निकाल दो, हल्का सा जाम रहता है। ये हो गया फर्स्ट पिनियन, ये जाम रहता है, हाथों से मार के खुलना पड़ता है। अभी खोल दिया, अभी बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दे। ये हो गया आपको पाँच नंबर पिनियन, ये भी खोल देंगे, खोल दिया। ये गियर फ्रोक और ये जो दिख रहा है ये बैक गियर पिनियन, बैक गियर पिनियन भी अभी खोल देंगे। ये जो दिख रहा है ये लॉक प्लेट है, इसका पास छः बोल्ट रहता है, खोल दिया लॉक प्लेट, खोल दिया। अभी गियरिंग का ऊपर एक तो लॉक रहता है और जो दिख रहा है ग्रुप, उसमें लॉक है, ये लॉक खुलने के बाद ही गियरिंग खुलेगा। उल्टा कर दिया, जो ये दिख रहा है ये क्लास वाला हाउसिंग, क्लास हाउसिंग खोलेंगे, क्लास हाउसिंग। जो कवर दिख रहा है ये कवर का सारा बोल्ट खोल दिया, इधर क्लास स्लिम जो है स्लिम भी खोल दिया, बियरिंग का लॉक भी खोल दिया। अभी ये कवर खोलेंगे, जामरा जाए कवर, कवर खोल दिया। ये जो दिख रहा है एक नंबर पिनियन टूटा है और काउंटर भी टूटा है और सिग्नेचर भी टूटा है। खुल के देखते हैं आस्ते आस्ते क्या टूटा है। प्रो का लॉक खुल दिया और शेप भी आउट कर दिया, अभी पूरा माली बाहर निकाल देंगे। निकाल गया, सारा माला अलग अलग कर दिया, देखता है क्या क्या खराब है। ये हो गया एक नंबर पिनियन, एक नंबर का पिनियन आधा दाता टूट गया। और ये हो गया काउंटर, काउंटर का दाता एक तो टूट गया और दाता टाल है। एक नंबर पिनियन और काउंटर दो चेंज करना पड़ गया। सिंगल नज़र भी टूटा है, सिंगल नज़र भी चेंज करना पड़ेगा। इधर टूट गया सिंगल नज़र, आउटर वाला जो पिनियन है वो टूट गया। सिंगल नज़र भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, पूरा सेट ही चेंज करना पड़ेगा। बैक गियर पिनियन दो सामान और बियरिंग लॉक यही चेंज करना पड़ेगा, तीन सामान। तो ये अभी अच्छा से सफाई करेंगे, सफाई कर दिया, अच्छा से सफाई कर दिया, अभी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के पहले देखता है क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या नया लिखा है। तो ये हो गया काउंटर, ये तो टूटा था, ये काउंटर लिखा है, काउंटर चेंज होगा। ये हो गया काउंटर, ये हो गया काउंटर का नंबर, काउंटर नया लिखा है, ये साइड में रखना। ये हो गया एक नंबर पिनियन का डब्बा और ये हो गया सिंगी नज़र का डब्बा, सिंगी नज़र, ये हो गया सिंगी नज़र। भी नया लेके आया, अरे ये सिंगल नज़र ब्रश भी नया लेके आया, ये कंगन बेयरिंग नया लेके आया, ये हो गया बुश पास चेंज करेंगे। ये चेंज करना ज़रूरी है, ख़राब नहीं होने से भी चेंज करना ज़रूरी है। ये नहीं चेंज करने से गियर बॉक्स जाम होता है, ये भी चेंज करेंगे। और ये तीनों बेयरिंग, ये पायलट बेयरिंग भी लेके आया और ये हो गया NRB बियरिंग, ये फर्स्ट पिनियन में रहता है। तो ये सिंगल नज़र का लॉक दिख रहा है, ये लॉक ये नया लेके आया, ये नया एक्स्ट्रा मिलता है सिंगल नज़र लॉक, पहले वाला दागी हो गया, नया डालेंगे। और ये हो गया सिंगल नज़र, तो ये ग्रुप और ये दागी एक तरफ होना चाहिए,
लॉक ऐसे करके लगा था ये पास में हो फिर आते हैं और ये लॉक का रिंग लगा दिया है। इस तरफ भी एक लॉक होता है। ग्रुप दिख रहा है ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ये वाला ग्रुप इसमें है और हमारा ये वाला का ग्रुप इधर इस साइड में जाएगी उल्टा साइड में लगाएंगे। दोनों एक तरफ नहीं होना चाहिए। ये वाला ग्रुप इधर और ये वाला ग्रुप इधर। फिटिंग हो गया, इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया मेन शॉप, मेन शॉप में सारा माल इंस्टॉल करेंगे। हो गया तीन नंबर पे नियम, इधर फिटिंग होता है। तीन नंबर पे नियम कंगन वेयरिंग इधर फिटिंग होता है। ये हो गया सिंगल नज़र ब्रश, सिंगल नज़र रिंग भी बोलता है। सिंगल नज़र रिंग नया लगा दिया। और ये हो गया सिंगल नज़र। तो ये लगाने के पहले थोड़ा ऑयल देता है। ऑयल देने से क्या होता है फिर ही घूमेगा। तो अभी ऑयल दे दिया। लॉकर लॉकर सर कर दिया। और ये सिंगनेजर जो है, ये सिंगनेजर BS3 BS4 6 एक ही है। तीन नंबर का सिंगनेजर एक ही है और दो नंबर का सिंगनेजर अलग है। उल्टा करेंगे। ये दो नंबर पे नियम, दो नंबर पे नियम 6 का अलग है। ये फिटिंग करेंगे। ये कंगन बेयरिंग अभी तक सिंगल नज़र रिंग नहीं बैठेगा। और सिंगल नज़र रिंग ये दूसरा है, सिंगल नज़र भी एक्स्ट्रा है। ये 6 का अलग है और पिनियम भी अलग है। एक नंबर और दो नंबर अलग है। बैक गियर पिनियम भी अलग है। BS6 में काउंटर अलग है। तीन चार सामान अलग है और सारा सेमी है। ये हो गया सिंगल नज़र। ये फिटिंग होगा इधर, इसमें उल्टा सीधे नहीं है। फिर सिंगल रिंग अलग है। सिंगल नज़र रिंग दो है, इधर तीन है, अलग अलग है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा अलग अलग है। ऐसे बैठते हैं। ये वाला जो घाट है ये अंदर वाला छोटा वाला में बैठता है। नियम इधर बैठता है। ये नया नहीं डालने से जब ये सीखना टाइट करेगा तब जाम हो सकता है, इसलिए नया डाल दिया। और ये चेंज करना ज़रूरी है। ये वाला जो गार्ड दिख रहा है ये लॉक गार्ड है। ये बाहर साइड में होना चाहिए, अंदर साइड में नहीं होगा। बैठे बाहर साइड में होना चाहिए। पायलट बेयरिंग इधर लगा दिया। पायलट बेयरिंग टॉप शॉट फ्री होगा। टॉप शॉट दिया, हांडी में लगाएंगे। सारा मेन शॉप में नस्ल कर दिया। सिंगल नज़र ये पाँच नंबर सिंगल नज़र, और ये पाँच नंबर का सिंगल नज़र का लॉक दिख रहा है। लॉक चेंज करेंगे। सिंगल नज़र अब से प्रसिद्ध है। ये वाला इस तरफ आएंगे, इस तरफ फ्री होगा। इसमें लेवल है, ये लेवल वाला हम सीधा फिटिंग होगा। नियम लगाएंगे ये नियम। और ये ब्रश, ब्रश भी नया डाल दिया। और ये पास नंबर देता होता है। और तीन नंबर प्रो और ये हो गया दो नंबर प्रो। इधर असेंबली करके लगाएंगे। लगा दिया। यार ये हो गया काउंटर। तो
फिटिंग हो गया सारा, हांडी पे इंस्टॉल करेंगे। पूरा असेंबली करके लगाना पड़ता है, हांडी पे इंस्टॉल करेंगे। न्यूट्रल पोजीशन में है, न्यूट्रल में से फ्री घूमना चाहिए, फ्री घूम रहा है। इंडस्ट्री कर दिया, अभी जो गियर का शेफ है शेफ लगाएंगे। तो ये शेफ लगाने के पहले इधर जो होल दिख रहा है, ये होल में बॉल फिटिंग होगा और इधर में बॉल होगा फिटिंग, इस तरफ इधर में भी बॉल एक होगा। ये वाला बॉल इधर फिटिंग होता है, ये वाला इधर, और ये वाला छोटा वाला इधर फिटिंग होता है, और बीस में ये वाला भी फिटिंग होता है। ये वाला चला गया क्योंकि ये बॉल फिटिंग होने के कारण एक गियर लगेगा और गियर को जाम करेगा, इसलिए ये बॉल का काम वही है और पोजीशन भी करेगा गियर का। तो ये छोटा वाला बॉल लगाता है इधर, क्लियर करो, ये होल देखो, ये वाला बॉल इधर फिटिंग होगा, ये वाला इधर फिटिंग होता है, और इसमें उल्टा सीधा है, ऐसा नहीं होगा, ये लॉक गार्ड बाहर साइड में होगा, बॉल का जो घाट है ये बाहर साइड में होगा, नीचे से घुमाएंगे। इधर फिटिंग होता है, फिटिंग कर दिया, ये वाला इधर फिटिंग होता है, मतलब अंदर से घुसेगा, इधर से घुसेगा। फिटिंग हो गया, कवर लगाएंगे। हांडी फिटिंग कर दिया और बियरिंग के ऊपर में एक लॉक रहता है, लॉक फिटिंग करेंगे। हो गया फिटिंग, अभी इधर में एक बिलक्सिम होगा फिटिंग, इधर बिलक्सिम होता है, पूरा बिलक्सिम कवर सिलिम, कवर सिलिम थोड़ा लगा दिया, क्लास हाउसिंग लगाएंगे, घुमा के देखते हैं फिर घूमता है नहीं घूमता है। अब न्यूट्रल पोजीशन है, तो न्यूट्रल में ऐसे फिर घूमना चाहिए, फिर घूम रहा है, जिसे मैं देखा ये ब्लॉक है, मेन टॉप नहीं घूम रहा है, ये टॉप सब घुमा रहा हो, फिर घूम रहा है, ये ब्लॉक है, मेन टॉप घुमाते हैं, फिर घूमता है, इसे फिर होना चाहिए, फिटिंग करने के बाद फ्री है। तो क्लास हाउसिंग लगाएंगे, क्लास हाउसिंग फिटिंग कर दिया, अभी उल्टा करेंगे, उल्टा कर दिया गियर बॉक्स, इधर बियरिंग का लॉक होगा, एक तो बियरिंग का लॉक और इधर लॉक प्लेट होगा, बियरिंग का लॉक प्लेट, ये जो बियरिंग का ग्रुप दिख रहा है उधर में ये लॉक फिटिंग होगा, फिटिंग कर दो, फिटिंग कर दिया, इधर बियरिंग का लॉक प्लेट होता है, लॉक प्लेट फिटिंग करेंगे, ये रहा लॉक प्लेट, ये फिटिंग करेंगे, अभी प्लेट फिटिंग कर दिया, ये जो बैक गियर पिनियम फिटिंग की कर दिया, ये बैक गियर पिनियम बड़ा वाला अलग है, फोर ये सिक्स का बैक गियर पिनियम अलग है, फोर का अलग है, सिक्स का अलग है, बड़ा वाला ये प्रेशर हो गया, और ये गियर लीवर शेफ, इसमें दो फोर फिटिंग होगा, और ये इसमें सूड वाला बैक गियर पिनियम फिटिंग होगा। ये हो गया पाँच नंबर पिनियम, पाँच नंबर मेन शेप और बैक गियर पिनियम, पूरा असेंबली करके लगाना पड़ता है, तो असेंबली कर दिया, अभी फिटिंग करेंगे, फिटिंग कर दो, फिटिंग कर दिया, और इधर फर्स्ट पिनियम होगा फिटिंग और शेप फिटिंग होगा, सारा फिटिंग कर दिया, अभी घुमाओ घुमाओ, ऐसे फ्री घूमना चाहिए, फिटिंग सारा फिटिंग करने के बाद अभी फ्री घूम रहा है, इधर में ब्लॉक है, ब्लॉक करके रखा है, अभी फ्री घूम रहा है, तो ऐसे फ्री रखना ज़रूरी है। बैक साइड का जो कवर है, कवर फिटिंग करेंगे, तो गियर बॉक्स सारा फिटिंग कर दिया, क्लियर हो गया, गियर बॉक्स फिटिंग करना, सारा फिटिंग कर दिया, तो अभी घुमा के देखता है कितना कैसे फ्री है, कितना फ्री है, घुमाओ, पूरा फ्री है, ऐसे फ्री घूमना चाहिए, फिटिंग करने के बाद उधर ब्लॉक करके रखो, इधर दिखता है, धरो तो पकड़ के धरो, ऐसे फ्री रखना ज़रूरी है और फ्री होना चाहिए, उधर में बोलो है, इधर घुमा रहा हूँ, घूम रहा है,
इधर ब्लॉक करके रखा है, घुमाओ, फ्री घूम रहा है, फ्री है। तो ये गियर बॉक्स फिटिंग हो गया, ये 520 स्पीड गियर, ये गाड़ी का इस गियर बॉक्स है। तो अभी गाड़ी में लगाएंगे, सारा फिटिंग हो गया, कंप्लीट हो गया फिटिंग, तो गाड़ी में लगाएंगे अभी।